शेख इमारत बच्चे का सवाल था सर। या हाँ शेख हम लोग की होते हैं तो घर में हमारे मैरिज एनिवर्सरी थी, हमने बच्चों को केक नहीं खाने दिया, तो बच्चे परेशान है कि बर्थडे मनाए या एनिवर्सरी मनाए तो उसमें कुछ खा सकते ही नहीं। देखिए, बर्थडे मनाना और मैरिज एनिवर्सरी या जो भी शादी की सालगिरह वगैरह मनाना, ये हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। ये चीज़ें गैर मुस्लिमों से आई हैं और इनमें गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है, खास तौर से यहूद और नसारा की। तो ये सारे चोचले जो है ये गैर मुस्लिमों से आए हैं। हमारी शरीयत के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोगों की शादी वाली सालगिरह आती थी, इसी तरह से बर्थडे भी आता था, लेकिन वो नहीं मनाते थे। तो ये हमारी शरीयत का, हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ये मुसलमानों की चीजें नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से आई हैं, इसलिए इसमें गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत है और गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत अख्तियार करने से हमारी शरीयत में मना किया गया है। तो ये मुनकर है। अगर कोई मनाता है तो पहली बात तो आप उसे समझाइए, और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप मत जाइए ऐसी मुनासबात पर, ऐसे मौके पर, ऐसी जगहों पर मत जाइए। किसी भी तरह से अपनी शिरकत वहां पर दर्ज मत कराइए। और जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बचपन से चीजें डालिए, अकीदे तौहीद, शिर्क के लिए, बिदात के लिए नफरत उनके दिमाग में बचपन से डालिए। हमारे बच्चों की तरबियत जिस माहौल में हो रही है, अगर हमने उनके बचपन में उनके जहन में सही इस्लामी अकीदा रासिख नहीं किया तो फिर बाद में बहुत मुश्किल आने वाली हैं। बच्चा बचपन में जो चीज देखेगा वो चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है, बाद में बहुत मुश्किल होता है। जी इसलिए बच्चों को बताइए कि हमारा दीन नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल इससे राजी नहीं है, इसलिए हमें इसको नहीं मनाना है। और बच्चे अगर जिद कर रहे हैं मिठाइयां खानी है, केक खाना है, आप उनको कभी भी ला करके खिलाइए। जी सिस्टर जी शेख, हम बच्चों को मना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मान जाते हैं, लेकिन मेरी खानी जो है तो वो मनाती हैं, और सब अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या है आजमा भी हैं, लेकिन वो ये सब मनाती हैं, तो इसी वजह से बच्चों को मना करते हैं, मान जाते हैं, खाने को नहीं दिया तो अगर खाया आप भी नहीं। आलिमा ना कहती तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ये। बिल्कुल अभी नहीं शेख, मतलब हमने इसलिए कहा क्योंकि उनको अल्हम्दुलिल्लाह दीन की काफी इल्म है, हम लोग को नहीं है इतना। आप ये कहिए, आप ये कहिए कि वो, आप ये कहिए कि वो पढ़ी लिखी है, आलिमा नहीं नहीं है। नहीं आलिमा नहीं है, पढ़ी लिखी है, सही बात है शेख, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो आलिमे भी हैं, उनके आपको पास भी काफी तो आपको अच्छे। चाहिए कि आप उनको समझाएं। जी इसीलिए देखिए, हम आप जी सर, उनसे उनसे सुनिए बड़ी उनसे उनसे बड़ी आलिमा तो आप हैं कि आपको तौहीद और शिर्क का पता है, तो वो जी कैसे आलिमा हुई? आलिमा तो आप, हकीकी आलिमा आप हुई। आलिमा वो है जिसको दीन का इल्म हो, उस पर अमल करता हो। किताबों को रट लेने से कोई आलिम थोड़ी होता है।